नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आशा। स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल आशाज कॉर्नर पे। तो आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैं बहुत ही प्यारा सा जो टॉप सॉल। बहुत टाइम से हमने टॉप सॉल नहीं किए हैं और ये जो वीडियो है ये रिक्वेस्टेड किया है इन मिस ने, आपको इनका नाम दिख जाएगा। जो भी अभी लेटेस्ट चल रहे हैं मैंने वो आपके लिए पिक किए हैं डबल एक्सल साइज में, और सभी का लिंक आपको जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मैं एक महीने के बाद आपको दिखाई दे रही हूँ, फिर भी अगर आप अभी तक बने हुए उसके लिए थैंक यू। और अगर नए हो तो दिल से वेलकम है आपका, प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ये जाने में कि मेरे व्यूअर्स कहाँ से हैं और वो कहाँ से मुझे देख रहे हैं। चलो वीडियो स्टार्ट। गाइस, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी आपके लिए एक शॉर्ट कुर्ती के साथ, क्योंकि शॉर्ट कुर्तीज जो है होती है ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं, और उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइजेशन इनका हो जाता है, लाइक स्कर्ट्स के साथ, प्लाजो के साथ, जीन्स के साथ, और मतलब आप चाहो तो इनको अपनी स्कर्ट के साथ भी कर सकते हो। विक्टम मैं ये मुझे वर्ड्स थोड़ी सी वो स्टाइल प्रोडक्ट लगती है, इसलिए मैं हमेशा ऐड करती हूँ अपने वीडियो में। और ये है इंडिगो प्रिंटेड कुर्ती, बहुत ही प्यारी लग रही थी यार। ये डिस्प्ले की जो पिक होती है, इनकी कैटलॉग पिक जो होती है, उसमें बहुत प्यारी लग रही थी। अब हम देखते हैं कि कैसी है। साइज उसकी डबल एक्सल है, आपने उसकी पिक देख चुके हो अब तक की जो मीशो का प्राइस है इसका, और देखने में तो ठीक ठाक है। बट मैं आपको बता दूँ, ऐसा एक टॉप मैंने ऑलरेडी पहले मंगा चुकी हूँ और आपको दिखा भी चुकी हूँ। इनका कलर जाता है यहाँ से ना, अंडर आर्म्स में सबसे पहले जाएगा, और अगर आप इसको फर्स्ट वॉश में जो कलर जाना होगा वो चला जाएगा, सेकंड में नहीं जाता। बट हाँ, अंडर आर्म्स इनकी डेफिनेटली जितनी बार भी स्वेटिंग होगी उतनी बार कलर छोड़ती हैं। बट ये दिखने में डिसेंट होती हैं और बहुत ही प्यारी लगती हैं आपके ऑफिस वेयर आउटफिट के साथ। ये देखो, वाइट कलर की जीन्स, प्लाजो, लेगिंग के साथ इसको टीम अप करोगे बहुत सुंदर लगेगा ये प्रोडक्ट। इसकी फिनिशिंग में थोड़ी कमी है, ये देखो इस तरह से धागे तो वगैरह निकल रहे हैं। यहाँ स्लीव्स में आपको इलास्टिक मिलती है, ये जो मुझे बहुत इरिटेट करती है, और यहाँ पे आपको कॉलर नेक मिलता है, जैसे मैंने अभी पहन रखा वी कॉलर है वैसा ही सेम इसमें यहाँ पर भी एक कॉलर नेक आपको मिल जाता है। और यहाँ की जो डिटेलिंग देखोगे पूरी फुल स्लीव्स आती है, धीरे धीरे वेदर चेंज हो रहा है इसलिए नीचे से आपको एप्पल कट की फिनिशिंग मिलेगी। डिवियर के हिसाब से कॉलेज ऑफिस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। बट इंडिगो कलर है, कलर जाना मस्ट है, यू नो दैट। ठीक है, हम सेकंड वाले की तरफ। मैंने अभी तक किसी को ट्राई नहीं किया है, बिकॉज मैं आपके सामने ओपन करके दिखाना चाहती थी, अनबॉक्स भी अब साथ में ही करेंगे हम लोग। ब्लैक कलर का एक ही टॉप है जिसे मैंने डबल एक्सल में ऑर्डर किया था, और आपको पता है मीशो पे क्या फ्रॉड चलता है, हमेशा उल्टी ही प्रोडक्ट भेजते हैं वो, कभी भी सीधे कहाँ भेजते हैं। यहाँ साइज मेंशन किए हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी बिलिंग के ऊपर। डबल एक्सल है प्रोडक्ट, एक्सल भेजा है उन्होंने, अब मेरे को एक्सल नहीं आएगा, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ट्राई करके दिखाऊँ आप लोगों को। ये इस तरह से ब्लैक कलर का टॉप है, ये डिसेंट वर्कवियर एक टॉप है जो कि बहुत ही हल्का, लाइट वेट है, डिसेंट है। अगर आप इंटरव्यूज़ वगैरह में जाते हो ब्लैक कलर का इस तरह से पहन के जाते हो वाइट कलर की जीन्स के साथ या अपने ट्राउजर के साथ, तो बहुत अच्छा लगेगा ये पहनने में। बस आपको मिक्स एंड मैच करना आना चाहिए। यहाँ पे मोती लगे हुए हाफ, यहाँ स्लीव्स आप देखोगे ना सेम इलास्टिकेटेड स्लीव्स हैं। ठीक है, कॉलर नेक है, बहुत ही डिसेंट लगता है ये पहनने के बाद। और यहाँ भी आपको ना एप्पल कट की फिनिशिंग मिलेगी जिसमें आपको इलास्टिकेटेड वेस्ट मिलता है, तो जैसे आप हाथ वगैरह ऊपर करते हो ना तो बिल्कुल ऊपर नहीं रहेगा, वेस्ट में फिटेड आपको इसका मिल जाएगा। नेक पे आपको बटन मिलेंगे, डिसेंट लगता है, बहुत प्यारा है ये ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, डे टू डे वेयर के लिए बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर। क्योंकि ज़्यादा मुझे ना तड़क भड़क वाले टॉप बिल्कुल पसंद नहीं आते, क्योंकि वो इधर आई थिंक दो टॉप है, ये देखिए, ओके, ये दो टॉप एक ही शायद कंपनी से मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, ओके, लियोटी ब्रांड के दो टॉप हैं। खुल के चेक कर लेते हैं, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि रिटर्न पीरियड ओवर हो चुका है। मेरी सर्जरी से पहले मैंने इनको ऑर्डर किया था, और फिर सर्जरी होने के बाद अब जाके एक महीने के बाद ये पैकेट ओपन हो रहे हैं। इस तरह से ये टॉप आएगा, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल। सी 3XL मंगाया मैंने, क्योंकि अभी मैं टाइट कपड़े पहनना थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। सामने की तरफ ये ब्लैक कलर का ये नेक आपको दिखाई देता है इस तरह से, ये देखो ये प्यारा सा एक नेक आपको दिखाई देता है। इसकी जो डिज़ाइनिंग है ये नेक की, आप जो इसकी कैटलॉग पिक है मैं उसमें अच्छे से देखना, और जो इसकी मैं आपको ट्राई ऑन दिखाऊंगी उसमें देखना, बहुत प्यारा लगता है। स्लीव्स में आपको ब्लैक कलर का लेस मिलता है, और इसका जो आर्म होल है ये काफ़ी बड़ा है, हो सकता है आपकी ब्रा इसमें से विजिबल हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ब्लैक पहनिएगा साथ में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये जो इसका नेक है ना, ये पार्टी वेयर टॉप की तरह आपको दिखाई देता है, पीछे से की होल नेक है,
ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा। और सबसे बड़ी बात है पॉलिएस्टर फैब्रिक है और स्ट्रेचेबल है, 4XL को भी आ जाएगा, 5XL को भी आ जाएगा, मार्क माय वर्ड, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे ये, क्योंकि मेरे पास ऐसा ब्लैक टॉप थोड़ा सा फंकीनेस में नहीं थे, ऑल्दो मेरे पास ब्लैक टॉप बहुत सारे हैं, मतलब जब से मीशो के वीडियोस करने लगे हो ना तब से मेरे पास ब्लैक क्लोथिंग बहुत सारी है। लेस पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगा और इसका नेक पार्ट मुझे अच्छा लगा और इसकी जो ये स्ट्रेचेबल थिंग है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इसको तो मैं पूरा ब्लैक लुक भी तैयार कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास ब्लैक जीन्स भी है। अब ये वाला टॉप देखते हैं कि भगवान करे ये अलग हो, सेम ना हो, क्योंकि गलती हुई है मुझसे, नहीं हुई है, अलग है ये टॉप। ये टॉप भी आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। ये टॉप देख के तो आप डेफिनेटली कहोगे कि दीदी मज़ा आ गया आज का वीडियो देख के। 3XL का ये टॉप है, क्रॉप टॉप है, ठीक है। सामने से आप जो ये देखोगे ना पैटर्न, ये वी पैटर्न में है, लाइक योंग वाला जो पैटर्न होता है ना इस तरह से, ये एक वी बन रहा है साइड में और पीछे से ये शॉर्ट है, देखो पीछे से ये शॉर्ट है और आगे से बड़ा वाला पैटर्न है, तो बहुत ही सुंदर प्लीटेड पैटर्न है, स्लीवलेस ये टॉप है, बहुत ही प्यारा टॉप लगेगा ये। ये तो डेफिनेटली मैं आपको कहूंगी कि ले लो। मेरे पास एक कोरियन स्कर्ट भी है, बॉडीकॉन स्कर्ट में, उसके साथ आपको पेयर करके दिखाऊंगी, बहुत सुंदर लगेगा। हाई वेस्ट किसी भी चीज़ के साथ पहनोगे ना बहुत सुंदर लगेगा, साइड में से भी बहुत प्यारा है और पीछे से भी बहुत प्यारा है। ब्लैक है तो वैसे भी आप स्लिमर लगोगे इसमें और ऊपर से इसका फैब्रिक मैंने बताया सुपर स्ट्रेचेबल है। दोनों सेम सेलर से मैंने बाय किए हैं, दोनों की क्वालिटी सेम है, फैब्रिक सेम है, बस डिज़ाइन का फर्क है। और स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो आप अपनी 3XL 4XL गर्ल्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो, उनको भी बहुत खुशी होगी इतना प्यारा इन्होंने चीज़ ये बनाई है। अब मैं दिखाती हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इतने सारे टॉप्स आपने बाय किए हैं, आप ऑफिस जाती हो या फिर आप कॉलेज जाती हो तो आपको इनके साथ मिक्स एंड मैच करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे फुटवेयर्स और बैग्स भी होने चाहिए। तो बैग के लिए हमेशा मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि जो बैग मैं ऑप्ट करूँ ना वो हमेशा लेदर का ना हो, क्योंकि जब भी मंदिर वगैरह हम लोग जाते हैं, दिल्ली में अक्षरधाम जाते थे, वहाँ जितनी भी लेदराइट की चीज़ें होती थी वो लॉकर में रखवा देते थे, तो होता है कि आप लेदर थोड़ा कम यूज़ करो। मैं तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती क्योंकि उसमें एनिमल को यू नो व्हाट आई मीन कि कैसे होता है, तो मुझे वो पसंद नहीं है। मैं एक ऐसी चीज़ को अपनाना चाहती हूँ कि जो लुक तो लेदर का दे बट वो लेदर ना हो, प्योर वेगन हो, इसीलिए मैं जूप के बैग्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मैंने पहले भी आपके साथ जूप के काफ़ी सारे बैग शेयर किए हैं, अब मैं आपको दिखा रही हूँ इस बार जूप का एक और स्लिंग बैग। और ये जो बैग है ना इसकी जो ये बनावट होती है ये इको फ्रेंडली होती है, ये किसी भी तरह का एनिमल प्रोडक्ट्स में यूज़ नहीं करते हैं, और सबसे बड़ी बात है ये जो चीज़ें हैं ना इनकी ये लॉन्ग लास्टिंग है। आप मुझे मेरे पुराने वीडियोस उठा के देख लो, जब भी मैंने जूप का जिक्र किया है मेरे पास मतलब हमेशा से जूप के बैग रहे हैं, टोट बैग भी है मेरे पास, लैपटॉप बैग भी है मेरे पास, इवन मेरे पास हैंड बैग भी है उनका बड़ा वाला, छोटू वाला स्लिंग बैग भी है, और ये वाला 6 बैग मेरे पास अब तक हो चुके हैं और आपको मैं दिखा भी दूंगी डिफरेंट अभी ला के दिखा भी सकती हूँ मैं आपको आप चाहे तो। और इनकी जो क्वालिटी होती है ना बिल्टअप क्वालिटी टॉप नॉच होती है, इनके जो जिपर्स होते हैं ये जो जिपर और इस तरह से यूज़ करते हैं ना बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी होते हैं। इस बैग में फ्रंट में आपको एक जिपर मिलता है और ये जो इनकी नकाशी आप देखते हो ना हमेशा हमारी जो सभ्यता है हमारी जो कल्चर है उससे इंस्पायर्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट में आपको पॉकेट मिल रहा है, जूक की बैजिंग मिल रही है, यहाँ अच्छा खासा बेल्ट मिल रहा है आपको हैंग करने के लिए। सी एक मिनट मैं इसको ओपन कर लेती हूँ दूंगी, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप अपनी मदर के लिए, सिस्टर के लिए, भाभी के लिए, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो गिफ्ट करने के पर्पज़ से। एक आराम से बॉटल टिफिन बंदा कैरी कर लेता है इसमें, और अंदर की तरफ भी आपको पॉकेट मिल जाती है, सीक्रेट पॉकेट जिसे हम कहते हैं। इसमें आप अपना स्किन केयर ले जाओ, अपना मेकअप ले जाओ, छोटू सा पानी का बॉटल ले जाओ, टिफिन कैरी करो, स्नैक्स कैरी करो, इजीली इसमें आ जाएंगे। और ये प्रोडक्ट को आप वॉश भी करेंगे इसका कुछ नहीं जाएगा। सामने की तरफ जूप की बैडिंग और बैजिंग बेल्ट, और बेल्ट भी बहुत ज़्यादा स्टर्डी, बहुत ही प्यारी चीज़ है ये, तो इसको बाय करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका कंप्लीट कूपन कोड भी मिल जाएगा, तो चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये वाले जितने भी टॉप आपने देखे मैंने बाय किए हैं, 2 वर्कआउट के लिए टी शर्ट्स, लाइक जिम टी शर्ट्स कह लो या योगा टी शर्ट्स कह लो, जो भी आपको अच्छा लगे, वाइट एंड ब्लैक में। क्योंकि वर्कआउट के लिए क्या होता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप वर्कआउट करने जा रहे हो तो ऐसा भी नहीं लगे कि नाइट सूट की टी शर्ट पहन के आ गई। ये एक क्विक स्वेट एब्जॉर्बिंग फैब्रिक से स्वेट अब्जॉर्बिंग फैब्रिक होता है जिसमें फटाफट से जो आपका स्वेट ड्राई हो जाता है, स्मेल भी नहीं आती। ये देखो इस तरह से आपको मिलेगी ब्लैक कलर की, ये एक यूनिसेक्स टी शर्ट है, आपके हस्बैंड भी वेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपका ब्रदर भी वेयर कर सकता है। शॉर्ट स्लीव्स मिलेंगे आपको,
पूरी की पूरी लॉन्ग मिलेंगी ताकि आपका हिप भी कवर हो जाए, राउंड नेक में है पीछे से देख सकते हो आप, और इस तरह से ना स्ट्रेचेबल। मैं जब भी फैब्रिक को दिखाती हूँ ना स्ट्रेच जरूर दिखाती हूँ। और ये व्हाइट कलर की मिलेगी, व्हाइट में से तो देखो लाइट पास थ्रू होगी, तो देखो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस रखनी पड़ेगी कि क्या पहनना है। जस्ट डोंट क्विट, तो ये जिम जाने के लिए मंत्रा इसी के ऊपर है कि जिम जाओ, वर्कआउट करो, खुद को हेल्थी रखो। और इस तरह से स्ट्रेचेबल टी शर्ट है जो मैंने अपने लिए, मेरे हस्बैंड के लिए मंगाई है, व्हाइट उनके लिए, ब्लैक मेरे लिए, ब्लैक माइन, मेरे लिए ब्लैक अच्छा है, उनके लिए व्हाइट अच्छा है, क्योंकि उनको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे क्या पहनूं जो विजिबल ना हो। तो ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे जिम के लिए, और ठीक है अच्छा चीज़ है, आप भी इसे वेयर कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है डेली वेयर के लिए। आपको मैं इसको जिम की लेगिंग के साथ ट्राई अप करके दिखाऊंगी। जिम की लेगिंग भी मैंने, जो जिम लेगिंग्स होती हैं, योगा लेगिंग्स होती हैं, मीशो से ही बाय की हैं। अगर उनका कमेंट चाहिए, उनका लिंक चाहिए तो कमेंट करना पड़ेगा। देखो कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, कमेंट करोगे तभी उसी का लिंक मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब दिखाती हूँ एक और प्रोडक्ट आपको, ये तो आप सबको बहुत पसंद आएगा। आई मीन आज के सारे टॉप्स आपको पसंद आएंगे, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट चीज़ें मैं लेके आई हूँ, मेरे पास थे नहीं आज तक ऐसे टॉप। व्हाइट कलर का चिकन टॉप है ये, ब्लाउजेस को मिक्स एंड मैच करती थी, तो आप भी इस तरह के ब्लाउजेस ऑप्ट कीजिए किसी भी फंक्शन में, ऑफिस में, कॉलेज में, साड़ियाँ वेयर कीजिए इन तरह इन ब्लाउजेस के साथ, और आप भी बिल्कुल डिफरेंट लगोगे। जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना उनको आप थोड़ा सा डिच करो, कुछ नया सोचो, कुछ क्रिएटिव करोगे ना बहुत अच्छे लगोगे। जैसे कि अभी आपको मैंने एक टॉप दिखाया ये वाला, इसके साथ कोई सी भी साड़ी पहनोगे बहुत सेक्सी लगने वाले हो, बहुत सेक्सी लगोगे। इसके साथ आप किसी भी तरह की साड़ी पहन लो बहुत प्यारा लगेगा, ये पूरा आपका वेस्ट को ढकेगा और पूरा तापसी पन्नू वाला फील आएगा। और ये वाला जो टॉप है इसको भी आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो, लाइक सी इसको भी मिक्स एंड मैच कर सकते हो, साड़ी के अंदर टक इन कीजिए और पहनिए और बहुत सुंदर लगेगा, बिल्कुल ट्रेडिशनल चीज़ों से हटके लगेगा और बहुत प्यारा लगेगा। हाँ तो हम इस ब्लाउज के बारे में, टॉप के बारे में बात कर रहे थे, ये बहुत ही प्यारा है। इसके अंदर आपको ना लाइनिंग मिल रही है, देखो क्योंकि छेद हैं तो डेफिनेटली उसमें से दिखेगा आपको छेद, तो क्या होल्स इसके अंदर से दिख रहे हैं। इसकी स्लीव्स बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे इलास्टिकेटेड पैटर्न है, यहाँ लेस है, पूरी चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फ्रंट के जो बटन्स हैं वो भी बहुत आपको प्यारे लगेंगे, इस तरह से मोतियों वाले बटन हैं, बहुत ही डिसेंट स्क्वायर इसका नेक आएगा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसको तो मैं किसी भी स्कर्ट के साथ पेयर अप करना चाहूँगी। ये वाला टॉप है, इसका फैब्रिक 100% कॉटन है, और ये वाला जो टॉप मैं आपको दिखा रही हूँ कोरियन टॉप, इसका फैब्रिक क्रेप का फैब्रिक है। ये गर्मियों में थोड़ी सी दिक्कत देगा क्योंकि क्रेप के साथ जब आपका पसीना मिक्स होता है तो क्रेप में बहुत गंदी स्मेल आती है, गर्मियों में थोड़ी सी दिक्कत देगा, बट ये जल्दी सूख भी जाएगा। स्लीव्स फुल हैं इसकी, ये देखो, और ये प्रॉपर ऑफिस के लिए है, यहाँ पे आपको रिबन मिलेगा, आप अच्छा सा बो बनाइए, और ये फुल स्लीव्स में है। सर्दियों में फुल इनर पहनो, दिल्ली की जैसे ठंड होती है तो इनर वगैरह पहन के जाने पड़ते हैं, इनर के ऊपर इसको आप पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा, पता भी नहीं चलेगा और अंदर से आप गर्म भी रहोगे। ये फुल स्लीव्स की विशेषता है क्योंकि इनर अगर आप पहन के बाहर दिखता है तो अजीब सा लगता है। कॉलर बहुत अच्छा है इसका, और इसकी जो साइज है वो डबल एक्सल है, ये देखो, ये भी आपको स्ट्रेट मिलेगा प्रॉपर। हाँ, स्टाइलिंग के लिए ध्यान रखना कि ये ग्रेइश कलर है तो ब्लैक कलर के साथ, स्कर्ट के साथ इसको पेयर अप करना, इन करना प्रॉपर, और बाहर की तरफ मत रखना वरना बहुत अगली लगते हैं ये चीज़ें। और ये जो फ्रंट में है बेल्ट, इसको खुला मत छोड़ना, बो लगा के रखना, और मिलीमन ज्वेलरी पहनो, बहुत प्यारे लगते हो। हर तरीके की चीज़ें अच्छी होती हैं, बट आपको स्टाइल अप करना आना चाहिए कि आप उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हो। आज का हॉल बहुत मेहनत से बन रहा है, रात को 2 बजे बन रहा है क्योंकि सुबह टाइम मिलता नहीं है, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कहाँ से हो, और इन सब में से अच्छा टॉप आपका कौन सा लगा आपको, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का देखना चाहते हो। और फेस्टिवल को देखते हुए मैंने इस बार आप लोगों के लिए बैंगल्स, चूड़ियाँ वगैरह भी लेके आ रही हूँ, क्योंकि करवा चौथ, दिवाली सब कुछ आने वाला है। चलो आज के लिए यहीं तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल।